वो बदलती भी है नहीं भी बदलती तो ट्रूथ इज़ होलिस्टिक ट्रूथ में कोई साइड्स नहीं होती कुछ सही गलत नहीं होता कुछ दिस एंड दैट नहीं होता तो जब हम ये नहीं करते और दिस एंड दैट में ही इंडल्ज रहते हैं तो वहाँ पर एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट होता है माइंड ना हमारा थक जाता है लेकिन जब वो रियलिटी को एज इट इज़ देख लेता है ट्रूथ को देख लेता है तब कहीं ना कहीं वो मतलब जो अभी तक पूरी उसकी एक रेस चल रही थी जो अभी तक वो भाग रहा था वो डिजॉल्व हो जाता है वो मुझे ऐसा लगता है कि शांत हो जाता है इसमें जो बात करी जा रही है ना वो करी जा रही है उन लोगों से जो अभी साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ये राइट रॉन्ग के चक्रों में पड़े रहे दिस और दैट के चक्रों में पड़े रहे या जो भी माइंड के गेम्स होते हैं उसमें उलझे रहे तो उसी में उलझे रह जाओगे और जो एक्चुअल में जो रियल सब्सटेंस है उसको नहीं देख पाओगे अगर तो होता मैं आपको पॉइंट कर रहा होता साउंड ऑफ साइलेंस की तरफ तब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता जैसा ऑलमोस्ट सबने पास्ट में किया है डायरेक्ट किसी ने बात नहीं करी है सबने बस ये कहा है कि आप ये भी छोड़ दो वो भी छोड़ दो ये भी मत करो वो भी मत करो आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि उसको असुर को मारा तब ना दिन था ना रात थी तो ध्यान से अगर आप समझोगे तो हर जगह पे इसी की तरफ इशारा किया गया है जब ना ये है ना वो है तब कहीं कुछ ऐसा है जो एक्चुअल में है बाकी सब तो सिर्फ कहने के लिए है अंदर कुछ भी कहते रहो उसी कहने को थिंकिंग बोलते हैं लोग उस कहने को रियल समझ लेते हैं जैसे आंखों से आपको जो दिखता है उसको आप रियल समझते हो लोग देखते हैं धरती को बोलते हैं ये तो फ्लैट है तो रियलिटी यही है ऐसे ही थॉट जो आते हैं जाते हैं लोग बोलते हैं थॉट आया ना इसका मतलब ये रियल है मेरा थॉट सही है या उसका थॉट गलत है या मेरा गलत है उसका सही है बस यही उलझे रह जाते हैं क्यों बोल रहे हो सही और गलत क्योंकि उनको लग रहा है थॉट एक्चुअल में है एक्चुअल में है ही नहीं जस्ट फॉर नेम सेक इस वर्ड पे ध्यान देना जस्ट फॉर नेम सेक सिर्फ कहने के लिए है एक्चुअल में थॉट कहीं नहीं है एक्चुअल रियलिटी थॉट की कुछ भी नहीं है जैसे लहर सिर्फ कहने के लिए है एक्चुअल में पानी है पानी की ही एक फॉर्म को हम लहर कह रहे हैं तो लोग उसी में उलझे पड़े हैं ये लहर बड़ी है छोटी है अच्छी है बुरी है वट तो वो कभी एक्चुअल में पानी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं बस ये बात यहां पर कही जा रही है ऑल दो ऑल डुअलिटीज अराइज फ्रॉम द वन डू नॉट बी अटैच इवन टू आइडियाज ऑफ दिस वन सो जितनी भी डुअलिटीज़ हैं डुअलिटी का ग्राउंड क्या हो गया मैं और तू मैं और तू मीन्स ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड ये साथ उठते हैं साथ डिज़ोल्व होते हैं ठीक है अगर हम इसको ध्यान से देखें कि कहाँ से अराइज़ हो रहे हैं और कहाँ वापस जा रहे हैं जैसे हमने वो मूवी स्क्रीन वाले से भी देखा कि मूवी स्क्रीन में ही दिखी और स्क्रीन में ही डिजोल्व हो गई तो ऑल डुअलिटीज अराइज फ्रॉम दी वन एंड डू नॉट इवन बी अटैच टू आइडियाज़ ऑफ दिस वन बिकॉज वेन वी आर थिंकिंग अबाउट साउंड ऑफ साइलेंस अगेन देर इज अंकर ऑफ साउंड ऑफ साइलेंस एंड वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउटेक्ट थॉट ऑफ साइलेंस जितनी भी डुअलिटी हमको दिखती है जिसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं ये सब एक ही है एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट है एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो वो सब्जेक्ट तो है और दोनों एक दूसरे पर टिका है बिना ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट नहीं है बिना सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट नहीं है बिना शिव के शक्ति नहीं है बिना शक्ति के शिव नहीं है बिना यिन के यांग नहीं है बिना यांग के यिन नहीं है बैटरी में बिना प्लस के माइनस नहीं है बिना माइनस के प्लस नहीं है तो ये जो पूरी डुअलिटी है ये उसी एक में से इमर्ज हो रही है वही एक फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो ऑब्जेक्ट है फ्रॉम द कॉन्शियसनेस पॉइंट ऑफ व्यू वो कॉन्शियसनेस है मतलब वो ही कॉन्शियस है।, है।, है और वो ही सब कुछ है तो क्या कहा जा रहा है कि सब कुछ उस एक में से ही आ रहा है यहां तक तो आपने सही पकड़ा बट इसके आगे थोड़ी गड़बड़ हो गई okay. इसके आगे ये जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि लेकिन उस एक के भी आइडियाज में मत जियो साउंड ऑफ साइलेंस कहां लिखा है यहां पे? उसकी तो बात ही नहीं हो रही है तो लोग कहां जीते हैं सुन लेते हैं पढ़ लेते हैं द वे दिवन आत्मन ब्रह्मन उसी एक को अलग अलग नाम लोगों ने दे दिए हैं

देर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू एनी थिंग इन द वर्ल्ड माइंड मतलब माइंड अभी तक एक सेपरेट सेल्फ में जी रहा था उसने देख लिया ट्रूथ को समझ लिया ट्रूथ को तब देर इज नो ऑब्जेक्शन टू एनी थिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑब्जेक्शन हम कब करते हैं किसी भी चीज़ का वेन देर इज अ सेंस ऑफ अ डूअर हु इज ऑब्जेक्टिंग राइट एंड नाउ उस डूअर पे क्वेश्चन मार्क लग गया कि ऐसा कोई सेपरेट डूअर है भी जो कुछ कर सकता है या जो कुछ बदल सकता है अगर हम ध्यान से थॉट की रियलिटी को देख लिया कि थॉट जो है माइंड के लेवल पे एवरीथिंग इज हैपनिंग तब अब जो वो ऑब्जेक्शन का जो कीड़ा था वो डिजोल्व हो गया वाई यू ऐसा क्यों सर मतलब अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर यह देख लिया ना कि एक्चुअली में कुछ कर कर नहीं सकते हम सब कुछ हो रहा है माइंड अपने आप को बहुत स्पेशल समझता था उस सेपरेट ईगो को उस सेपरेट सेल्फ को ही तो सबसे स्पेशल बना के चल रहा था ना अब उसने देख लिया मैं क्या हूं मैं कुछ हूं ही नहीं ये तो सिर्फ एक कलेक्टिव थाट है जो जिसको वो अभी एक सेपरेट सेल्फ समझता था और कलेक्टिव अपने आप चल रहा है बॉडी अपने आप चल रही है तो वो एक सेंस ऑफ जो था ना कि डूइंग कंट्रोलिंग वो पीछे हट गया फ्रिक्शन खत्म हो गया इसको कॉन्फ्लिक्ट भी बोल सकते हो फ्रिक्शन भी बोल सकते हो ऑब्जेक्शन भी बोल सकते हो टू एग्री और टू डिस एग्री भी बोल सकते हो क्योंकि जब हम किसी चीज के साथ में एग्री करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके ऑपोजिट से हम डिसी कर जाते हैं हमें बोलने की जरूरत नहीं है वह ऑब्जेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है वो डिजॉल्व हो जाता है जब हम जो ट्रूथ है उसके रियल नेचर को देख लेते हैं जैसे अगर मैं ये हूं तो इस लेवल तो पर तो ऑब्जेक्शन रहेगा ही बट मैं ये नहीं हूं ये मुझमें है जैसे बाकी सब कुछ मुझमें है तो जब सब कुछ ही मुझमें है तो अच्छा भी मुझमें बुरा भी मुझमें है तो अब अगर मैं चाहूं भी तो ऑब्जेक्शन हो ही नहीं सकता उस लेवल पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वो इंसान ऑब्जेक्शन नहीं करेगा वो जिसने इंटरप्रेट किया है उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इस बुक को इंटरप्रेट किया है यहां पर क्या कहा गया है कि अगर आप चाहो भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते जो आप एक्चुअल में हो उस लेवल पे जैसे स्पेस के ऑब्जेक्शन करेगी स्पेस में चाहे आप एक रिलीजियस प्लेस बनाओ चाहे टॉयलेट बनाओ स्पेस के ऑब्जेक्ट करेगी एम जस्ट लाइक स्पेस ट्रूथ इज जस्ट लाइक स्पेस क्लोजेस्ट जो ट्रूथ का एग्जाम्पल है ना वो लोग जो साउंड और साइलेंस को नहीं जानते हैं तो उनको बार बार कहा जाता है वो तुल्य है जो रियलिटी है वो स्पेस के जैसी है यानी वो सब में है और सब कुछ उसमें है तो उस स्टैंड पॉइंट से समझा जाए तो ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे क्योंकि बॉडी तो ऑब्जेक्शन करेगी जैसे आपको पिंचबोएंगे तो आप ऑब्जेक्शन करोगे कहोगे नहीं मेरे को दर्द हो रहा है नॉट द बॉडी इफ यू अंडरस्टूड दैट एब्सोल्यूटली क्लियरली तो एक लेवल पे ऑब्जेक्शन रहेगा प्रिफ्रेंसेस रहेगी एग्रीमेंट डिसग्रीमेंट रहेगा सब कुछ रहेगा माइंड के लेवल पर भी रहेगा बट जो आप एक्चुअल में हो उस लेवल पे वो सब पॉसिबल ही नहीं है इसलिए वो पूरी तरह से निगेट हो गया इट इज नॉट कि आप डेलिब्रेटली ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हो वो जो डेलिब्रेशन है दैट इज पार्ट ऑफ थॉट उस लेवल पे रहेगा मतलब स्पेस अगर चाहे भी तो ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती है उसका नेचर ही ऐसा है साउंड ऑफ साइलेंस अगर चाहे भी तो कुछ पकड़ना और छोड़ना नहीं हो सकता है वहां पे पॉसिबल ही नहीं है वो रुक नहीं सकती है वो किसी एक जगह पर है ही नहीं एक पॉइंट पर है ही नहीं सारे पॉइंट्स उसी में हैं उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या मेरा है क्या तेरा है उसमें कोई थॉट ही नहीं है मतलब उसका अपना कोई थॉट नहीं है थॉट का जो ग्राउंड है वो तो वही है बट उसका अपना कोई थॉट नहीं है अगर अपना थॉट होता तो वो कुछ पकड़ती कुछ छोड़ती तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मतलब बॉडी के लेवल पर माइंड के लेवल पर तो ऑब्जेक्शन रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली ठीक है बट ट्रूथ में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बस हम ये कह सकते हैं ना इसको आप ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्शन ट्रूथ में पॉसिबल ही नहीं है और जिस लेवल पे पॉसिबल है वो ट्रुथ नहीं है वो भी तो ट्रूथ ही है ना पहले ट्रूथ को और उसको अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं ट्रुथ मतलब क्या जो है वो ट्रुथ है और जो कहने के लिए है 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 और एक्चुअल में नहीं है, वो झूठ तो अगर आप वेव को भी ट्रूथ बोल रहे हो तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर रहे हो कर दिया ना फिर से मैं, है तो वेव ट्रूथ ही में। तो फिर वेव क्यों बोल रहे हो ट्रूथ ही बोलो फिर क्योंकि जो आप कह रहे हो ना कि सेग्रीगेट कर दिया अरे सेग्रीगेशन तो रहेगा ही बॉडी के लेवल पे माइंड के लेवल पे क्या सेग्रीगेशन नहीं है चारों तरफ सेग्रीगेशन है तो वो तो रहेगी ना तो हमें बात भी तो उसी तरीके से करनी पड़ेगी ना चीना तो उसकी तरह है तो क्या कह सकते हैं कि ट्रूथ के लेवल पे इन रियालिटी वो पॉसिबल ही नहीं है और जो रियालिटी नहीं है उस लेवल पे डुअलिटी के अलावा और कुछ नहीं है यानी थॉट बॉडी के लेवल पे भी कोई सेपरेशन नहीं है थॉट के लेवल पे सेपरेशन है मैं और तू अच्छा बुरा तो वो तो रहेगा बट दैट इज जस्ट द नेम सेक इसलिए हम कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में झूठ है और हम झूठ में जी रहे हैं जो सच है उस लेवल पे सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है झूठ के लेवल पे सेपरेशन के अलावा और कुछ है ही नहीं मैं ये हूं ये सच है झूठ है झूठ है झूठ है ना झूठ भी दो तरह के होते हैं एक है जो कहने के लिए होता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है जैसे पत्थर की मूर्ति और पत्थर तो इस स्टैंड पॉइंट से देखा जाएगा तो पत्थर की मूर्ति झूठ हो गई पत्थर सच हो गया एक झूठ का और भी लेवल होता है कि जहां पत्थर की मूर्ति है ही नहीं वहां पे हम कह रहे हैं मूर्ति है मूर्ति है और हम कह रहे हैं कि यहां पे मूर्ति नहीं है लोग यहां जीते हैं। जैसे कोई बुक है उसमें कुछ लिखा हुआ है वहां क्या है एक्चुअल में कुछ भी नहीं है पर उस बुक के लिए लड़ने मरने को तैयार है वो कोई भी बुक है क्या है वहां पर पेज है उसके लिए लड़ क्यों रहे हो मर क्यों रहे हो और किसको प्रोटेक्ट कर रहे हो ट्रुथ को समझे दिस इज हाइट ऑफ उलिशनेस लोग यही तो जी रहे हैं जो है ही नहीं उसी के लिए लड़ रहे हैं जो है उसकी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है हमारी लाइफ में जो एक्चुअल चारों तरफ उसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही बट जो प्रॉब्लम है ही नहीं पहले उसको इंपॉर्टेंस दे दी माइंड में बिलीफ बना दिया बिलीफ बन गए चारों तरफ से बना दिया बहुत सारे लोग हैं जिनका बेनिफिट है उस बिलीफ की वजह से क्योंकि तो उनको पावर मिलती है और उन बिलीफ के लिए लोग लड़ रहे हैं आपस में मर रहे हैं झूठ तो है। के भी लेवल्स हैं बस इसी की कंटिन्यू लाइन ये वाली थी कि वेन देर इज नो ऑब्जेक्शन टू एनी थिंग थिंग्स टू बी इन द ओल्ड वे जब ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो जो दिस एंड दैट जो ओल्ड माइंड का नेचर था थिंक सीज टू बी इन इट मतलब फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ट्रूथ माइंड तो दिस एंड में रहता है ना इसको ध्यान से समझना क्या बात कही जा रही है यहाँ पे इसमें बात करी जा रही है उन लोगों से जो मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं तो कुछ एक्सपीरियंसेस के लिए हम क्रेव करते हैं कुछ के लिए हम ऑब्जेक्ट करते हैं जैसे किसी को नोशन है कि मेडिटेशन में थॉट्स नहीं होने चाहिए तो ये ऑब्जेक्शन हो गया ना कि थॉट क्यों आ रहे हैं तो इस इरिटेशन की वजह से वो थॉट सस्टेन हो पा रहा है अगर उसके अंदर से ये ऑब्जेक्शन निकल जाए टू वर्ड्स थॉट्स तो थॉट आने बंद हो जाएंगे क्योंकि उनको फ्यूल मिलना बंद हो जाएगा और फिर जो होगा वो उसको दिख जाएगा उनकी बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनको पता है साउंड ऑफ साइलेंस क्या है ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी नहीं पता है जो कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं दस साल से बीस साल से या पचास साल से एंड दे हैव गॉट नो क्लू तो उनको कहा जा रहा है बट देखा जाए तो साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस तो इस दुनिया में मुझे लगता है सबसे आसान है उसके लिए इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं है मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक्सपीरियंस तो मुझे लगता है इट्स द थिंग यही तो कमाल है ना कि देखो वो अगर छुपा भी तो कैसी जगह पे जाकर के छुपा उसको आप कहो चाहे छुपा है चाहे कहो वो छुपी है तो कहां छुपी है वो सबके अंदर सबके सेंटर में सेंटर मतलब क्या कॉन्शियसनेस में क्या आपके सोचने से भी पहले वो होती है आपके इतना पास है जितना पास आपके आपका थॉट भी नहीं है ये रियल वंडर है देखो जगह भी चुनी तो क्या इंसान सब तरफ ढूंढेगा सच को बुक्स में ढूंढेगा अलग अलग जगहों पे ढूंढेगा सो so कॉल्ड गुरुओं के पास ढूंढेगा इधर जाएगा उधर जाएगा ये करेगा वो करेगा गुफाओं में जाएगा पता नहीं क्या क्या करेगा वो खुद में नहीं ढूंढेगा एंड दिस इज द फन पार्ट एक्चुअली कि जो आसान है उसको कैसे इंसान ने इतना मुश्किल बना दिया है और यही थॉट करता है थॉट क्या करता है आसान से आसान चीज को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है लाइफ जो कि आसान है उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है थॉट ने जिसकी कोई हद नहीं है कभी कोई इंटेलेक्चुअल डिबेट्स देखो लोगों के इंटरनेशनली तो आपको समझ आएगा वो कितने बुरे तरीके से एंटेंगल्ड है और जो ऑडियंस है वो भी पूरी तरीके से एंटेंगल्ड है ऑडियंस तालियां बजा रही है लेकिन उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो क्या रहा है कुछ भी तो ये थॉट करता है सो so कॉल्ड जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनकी कभी बातें सुनो बैठ करके कुछ समझ नहीं आएगा बट आपको ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ है जैसे ट्रेडमिल पे नहीं होता है कि दस किलोमीटर मैंने वॉक कर ली एक्चुअली में वहीं वही हूं कुछ भी नहीं किया सो इट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम मतलब उसके रियलाइजेशन के लिए टाइम की जरूरत नहीं है इंस्टेंट है स्पेस की जरूरत नहीं है कहीं जाने की जरूरत नहीं है यही है अभी है बट ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और उस रास्ते से वहाँ तक पहुँचना चाह रहे हो तो जो भी आपकी क्रेविंग्स हैं और जो भी आपके एव्यूजन्स हैं उसको छोड़ करके शांति से बैठे रहो जो हो रहा है होने दो एंड में कुछ ऐसा होगा जो सबका ग्राउंड है और उस तरफ आपकी नजर पड़ेगी यानी जब एफर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो एफर्टलेसली जो है वो आपको नजर आ जाएगा जिसके लिए एफर्ट की कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्शन क्या है एफर्ट ही तो है तो वो बचा रह जाता है ये कहा जा रहा है यहां पे। वेन नो डिस्क्रिमिनेटिंग अटैचमेंट arises, द ओल्ड माइंड ceases टू एग्जिस्ट जब आप ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे सेग्रीगेट नहीं कर रहे कोई साइड नहीं पकड़ रहे एक्सपीरियंसिस में या कोई थाट्स में कि ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए मेडिटेशन में जब आप साइड्स नहीं पकड़ रहे सब जो आ रहा है आने दो जो जा रहा है जाने दो तब आपने कुछ पकड़ा नहीं ना तब ओल्ड माइंड सीजिस टू एग्जिस्ट मतलब अब जिस तरह से आप चीज़ों को देखते थे आपने थोड़ी देर के लिए उसको रोका तो जो है वो दिख गया अब ये ओल्ड माइंड क्या है और न्यू माइंड क्या है जब ओल्ड माइंड की बात करी गई है तो इट इज़ ऑब्वियस कि न्यू माइंड भी है तो माइंड दो तरह का हो गया ना एक ओल्ड माइंड है ओल्ड माइंड क्या है जो इस पूरी ह्यूमैनिटी का माइंड है वो कहाँ जीता है या तो जो पांच सेंसेस के थ्रू हमको एक्सपीरियंस होता है वहाँ जीता है या इसकी जो रिकॉर्डिंग अंदर पड़ी हुई है मेमोरी उसके जो थॉट्स हैं फीलिंग्स हैं इमोशंस हैं वहाँ जीता है नहीं। बस दिस इज ओल्ड माइंड तो इस ओल्ड माइंड से कोई फ्री कैसे होगा इस ओल्ड थॉट से कोई फ्री कैसे होगा कोई मेडिटेटर है जो मेडिटेशन कर रहा है बीस साल से वो यही मेडिटेशन कर रहा है जैसे उसने मान लो ओल्ड माइंड ने बिलीव पकड़ रखा है कि मेडिटेशन मुझे थॉटलेस होना है जब वो चीज निकल गई तो न्यू माइंड का मतलब ये हो गया कि अब उसने कुछ पकड़ा नहीं है थॉट आ रहा है आने दो तो, जा रहा है जाने दो तो। फिर वो देखेगा चीजों को एज इट इज वन न्यू माइंड आ गया यहाँ सेग्रीगेशन की बात करी जा रही है ना क्या बात करी जा रही है नो डिस्क्रिमिनेटिंग अटैचमेंट द ओल्ड माइंड टू एग्जिस्ट हम क्या करते हैं हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक्सपीरियंसेस को भी जो हमको सेंसेस के थ्रू होते हैं और उसकी जो रिकॉर्डिंग अंदर पड़ी हुई है उसको भी इनफैक्ट यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की भी बात नहीं करी जा रही है क्योंकि एक्सपीरियंसेस को भी जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वो थॉट के लेवल पे करते हैं एक्सपीरियंस के लेवल पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है जैसे कोई बच्चा अभी पैदा हुआ है उसके लिए क्या खुशबू क्या बदबू तो ये डिस्क्रिमिनेशन किस लेवल पर हो रहा है थॉट के लेवल पर वो जो डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड है वो हो गया ओल्ड माइंड एंड माइंड बाय इट्स वेरी नेचर इज डिस्क्रिमिनेटिंग बिना डिस्क्रिमिनेशन के माइंड कहा है hmm. तो माइंड सीजेस टू एग्जिस्ट द मूमेंट इट स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग अब इट इज सेट देन डन इसीलिए ये जो पाथ है ना ट्रुथ का अगर कोई इसको डायरेक्टली अप्रोच ना करे और इनडायरेक्टली करे तो पूरी जिंदगी निकल जाए लेकिन इंसान का वहां तक पहुंच पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू तो इम्पॉसिबल आप बैठे रहो जाकर के कहीं पे और कोशिश करते रहो कि मैं डिस्क्रिमिनेट ना करूं ये कोशिश भी तो डिस्क्रिमिनेशन है आप कोशिश करो कि मैं अब कुछ भी माइंड के लेवल पे ना पकड़ूंगी ना छोड़ूंगी <laughs> ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है माइंड का जो एक्चुअल नेचर है उससे अलग हो गया तो इस लेवल पे आप बची नहीं सकते इसीलिए लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है जिसको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्चुअल में एक्सपीरियंस होता है इस पुराने पाथ पर जैसे यहां पर ओल्ड माइंड की बात करी जा रही है अब मैं एक और टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा वो है ओल्ड पाथ एंड न्यू पाथ ओल्ड पाथ मतलब क्या कि पहले आपको इसके बारे में बातें करेंगे ये करेंगे वो करेंगे फिर कभी शायद आपको साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस होगा न्यू पाथ मतलब क्या पहले एक्सपीरियंस होगा फिर हम बात करेंगे उसके बारे में ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर नेक्स्ट इंपॉसिबल है मैथड आप करके देखो ना मेथड हो गया ना भी एक प्रोसेस हो गया यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट मत करो माइंड के बियॉन्ड चले जाओ तो नींद आ जाएगी अगर कभी आपने एक्चुअल में मेडिटेशन करी है तो आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करना बंद कर दोगे यानी माइंड डिजोल्व हो जाएगा और आपका ध्यान एक्सपीरियंसेस से भी हट गया तो नींद आ जाती है इंसान को कभी ध्यान से देखना मेडिटेशन सेंटर्स में क्या होता है लोग ऐसे ऐसे सो रहे होते हैं गिर रहे होते हैं रात को कभी ऑब्जर्व किया नींद आती कैसे है जब एफर्ट जीरो हो जाता है तो एफर्ट जीरो होते नींद आ जाती है तो या तो इंसान थॉट्स में जिएगा या जो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उसमें जिएगा या नींद में जिएगा वेकिंग ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप इन तीनों के बियॉन्ड कैसे जाएगा उसकी बात यहां पर करी जा रही है कौन कर रहा है जो उसकी बियॉन्ड चला गया है लाखों में से कोई एक तो वो ठीक से नहीं बता सकता था सीधा सीधा बता देता। <laughs> इतने इतनी सारी बातें कर करके बता दिया बेसिकली प्रॉब्लम पता क्या है कि ये जो बात है ना जहां पे एक ऐसा माइंड चाहिए जो पूरी तरह से फियरलेस हो और पूरी तरह से फ्री हो जो अपने सो कॉल्ड कॉल्डमेंट को भी क्वेश्चन कर जाए क्योंकि इस इंसान ने क्या किया है क्यों किया है, क्यों किया है कोई नहीं जानता ये सवाल एक्चुअल में बड़ा जेन्य है कि क्यों इन्होंने डायरेक्ट बात नहीं करी और किसी ने भी डायरेक्ट बात नहीं करी ऐसा क्यों क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है ईगो को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जानता हूं या फिर उन्हें भी ये, लगा कि ये सब करके हुआ है उनको exactly. कि ये सब करके और वही उन्होंने पाथ बताया है उन्होंने वही बताया है कि हो सकता है उन्होंने क्या किया कई सालों तक जंगल में जाकर के या कहीं पे जाकर के पूरी तरह से एफर्टलेस हो गए और फिर जाकर के उन्होंने देखा अरे ये क्या है तो उन्हें लगा कि शायद जब इंसान पूरी तरह से एफर्टलेस हो जाएगा तब उसको एक्सपीरियंस होगा तो ये तो टाइम और स्पेस बीच में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूं कि टाइम की जरूरत ही नहीं है ये तो इंस्टेंट है अभी है यही है इसमें क्या करना है इसके लिए किसी एफर्ट की जरूरत क्या है इस बुक की क्या जरूरत है जैसे मेरी फैमिली में जो भी है माई डॉटर माई सन छोटे छोटे हैं उनको सब एक्सपीरियंस है साउंड ऑफ साइलेंस का हाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं है बट दैट्स ओके एक्सपीरियंस तो है और अभी एक्सपीरियंस उनसे कोई ले नहीं सकता है ये जो बुक में हम पढ़ रहे हैं मानो किसी ने बुक पढ़ी चार दिन बाद भूल जाएगा कोई वेब सीरीज देखेगा सब कुछ भूल जाएगा हमारा ये सेशन सब भूल जाएंगे साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस मरते दम तक कोई भी एक इंसान से ले नहीं सकता है तो इसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए डायरेक्ट बात करने के लिए जो पूरी तरह से फियरलेस हो जिसका एक्चुअल में कोई मोटिव ना हो सिखाने तक का मोटिव ना हो कुछ बताने तक का मोटिव ना हो नहीं तो कहीं ना कहीं कोई पाथ या ट्रेडिशन या नॉर्म्स किसी ना किसी चीज को फॉलो कर रहा है किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कही कोई ना कोई डर है या कहीं ना कहीं यह है कि मेरे को भी किसी ने नहीं बताया ना डायरेक्ट तो मैं क्यों बताऊं

तो करोड़ों में से कोई एक है जिसको शायद कभी कुछ हो नहीं तो मैं बता रहा हूं उन्हीं तीन स्टेट्स में घूमेगा वेकिंग ड्रीमिंग एंड स्लीप ये सब जो ब्रेन के लेवल पे एक्सपीरियंस होते हैं ना एनर्जी उठी लाइट दिखी ये हुआ दिस इज जस्ट लाइक ड्रीम उल्टा और कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे <laughs> जितना मैं देख एक नए कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं डुअलिटी क्या, क्या वननेस, और कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे exactly. में, वो और फंस जाएगा ऐसे ही तो फंसे हुए हैं लोग जितना इस दुनिया में फंसे हुए हैं उससे ज्यादा इसमें फंसे हुए सो कॉल्ड स्पिरिचुअल पाथ पे स्पिरिचुअलिटी में क्या क्या लोग कर रहे हैं किस किस लेवल का अपना टॉर्चर करवा रहे हैं उसकी कोई हद ही नहीं है जा करके देखो दुनिया में लोगों की क्या हालत है क्योंकि मैं तो बहुत लोगों से मिला हूँ ना ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में घुमा हूँ तरह तरह के जो लोग हैं अलग अलग ट्रेडिशन से अलग अलग यहाँ से वहाँ से हर तरह के लोगों से मिला हूँ बाहर से देखने में बड़े ऐसे लगते हैं कि बड़े ही सॉटेड है फिर जब मुँह खोलते हैं तब पता लगता है कि अंदर क्या भरा पड़ा है अंदर कितने बुरे तरीके से उनका टॉर्चर हुआ है बचपन से ही कुछ याद करा दिया गया है उनको और एक एक चीज़ याद है बट एक्सपीरियंस कहीं भी नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ है सिर्फ आइडियाज है, थॉट्स है, मेडिटेशन है ये है वो है पता नहीं क्या क्या है लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो है लोग मेथड ढूंढ रहे हैं लोग मेथड दे रहे हैं सीधी बात कोई नहीं कर रहा है क्योंकि सीधी बात करते ही क्या होता है ना कि आप में और मुझ में जो फर्क था वो फर्क ही खत्म हो गया अब मेरे पास भी वही साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस है आपके पास भी वही एक्सपीरियंस है अब क्या फर्क रह गया कुछ भी नहीं अब ना मैं गुरु हूँ ना आप शिष्य हूँ खत्म सारे बैरियर्स खत्म बट ईगो कभी भी बैरियर्स खत्म नहीं करना चाहेगी ईगो इस डिवीजन को मैंटेन करना चाहेगी प्लस जो भी कुछ मैंने किया मानो मेरे को इस एक्सपीरियंस तक पहुंचने में आठ साल लगे आपको आठ सेकंड लगे तो मेरे आठ साल तो बेकार हो गए ना अब ये कोई बोल नहीं पाएगा ना मतलब एक्चुअली में उस पर कोई एक तरह से देखा जाए तो आठ साल तक जो भी मैंने किया वो बेवकूफी थी तो मैं खुद को बेवकूफ कैसे बोल दू तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से लोग डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि उन्हें खुद ही नहीं पता है <laughs> कहीं से कुछ पढ़ लिया और बोल दिया हाउ डू वी नो कि ये इंसान जिसने बुक लिखी है उसको भी पता है या नहीं पता है हो सकता है उसने भी और बुक्स पढ़ी और पढ़ करके और फिर कुछ लिख दिया है हम इसका ये मतलब निकाल रहे हैं कि ये साउंड ऑफ साइलेंस की बात कर रहे हैं बट मे बी बीज जस्ट लिविंग इन दैट एफर्टलेस स्टेट एंड थिंकिंग दैट दिस इज द ट्रूथ बट अंडरस्टैंडिंग तो वैसे रिलेट होता है काफी सही रिलेट कैसे करते हैं रिलेट तो आपके ऊपर है आप किसी भी चीज को किसी से भी रिलेट कर सकते हैं जैसे बहुत सारे सूफी सॉन्ग्स हैं उसको सुनो और अगर रिलेट करोगे तो जो इंसान जिस लेवल पे होगा उसी लेवल पे वो रिलेट कर जाएगा वो तो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है उस लेवल पे आप रिलेट करते हो आप वैसे ही रिलेट करते हो मैं जो बातें करता हूँ लोग उसको एक्चुअली वैसे थोड़ी ना रिलेट करते हैं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या जिस लेवल से मैं बोल रहा हूँ उसको वैसे रिलेट करते हैं जिस लेवल पर वो खुद है जो उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग है मानो उनके लिए पैसा 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 है तो वो पैसे से रिलेट कर जाएंगे बहुत सारे लोग तो मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर समझते हैं क्यों क्योंकि उसी से वो रिलेट करते हैं इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है वो ये समझते हैं कि मेरा काम है कि जो भी वो करना चाहते हैं जो उनकी ड्रीम्स हैं एस्परेशन हैं गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वो जो अचीव करना चाहते हैं वो करें या ना करें एक्चुअल में अगर होलिस्टिक वे में देखो तो बट उनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है अब अगर वो मेरी ये बात सुनेंगे तो इस बात को सुनेंगे ही नहीं अनसुना कर देंगे लोग सुनते कहाँ हैं सुनते वही है जो उनके काम का होता है जो काम का नहीं होता उसको नहीं सुनते हैं जैसे उनके माइंड में गुरु का कॉन्सेप्ट है तो जैसे ही मैं कुछ बोलूंगा जो उस गुरु की बातों से अलग है तो वो सुनेंगे ही नहीं तो लोग तो बहुत ही बेसिक लेवल पे बहुत ही मैं क्या कहूँ किस लेवल पे वो फंसे हुए हैं उसकी कोई ही नहीं है वो वो देख सकता है जो इस सब से निकल गया है और सब में है निकल गया है मतलब ये नहीं कि छोड़ छाड़ के कहीं भाग गया है वो उस पूरे युद्ध के बीच में खड़ा हुआ है और सब कुछ देख रहा है एक प्लेटफॉर्म से और खुद लड़ रहा है वो देख सकता है कि क्या खेल चल रहा है और किस लेवल पे चल रहा है आई थिंक ये बुक को हमने जितना कवर करना था उतना कवर कर लिया है इसके आगे और कुछ है नहीं क्योंकि वही बात को बार बार अलग अलग तरीके से कहा जाएगा उन लोगों के लिए जिनको एक्सपीरियंस नहीं है साउंड ऑफ साइलेंस का जिससे कि उनको एक्सपीरियंस हो जाए तो अब जो भी काम का था वो सब हमने कवर कर लिया है इस बुक में से तो इस सीरीज़ को यहीं पे हम रैपअप करते हैं एम श्योर sure जिसने ध्यान से सुना है एक एक बात को जो भी इसमें कही गई है इस पूरी सीरीज में अलग अलग सेशंस में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है सिर्फ इन छह सेशंस में उनको वो बात समझ आ सकती है जो शायद छह हजार बुक्स पढ़ करके भी समझ नहीं आएगी अगर कोई समझना चाहे तो आई होप आपके माइंड में कोई भी सच डाउट या कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा अगर मैं आपकी बात करूँ तो सर मोटा मोटा तो नहीं है कुछ एक दो टेक्निकल चीज़ें थी जो मुझे बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूज कर रही थी जैसे अभी आज के सेशन में जो टच हुई हैं बातें ऑब्जर्वर ऑब्जर्व की तो अभी तक जो मेरा माइंडसेट समझ रहा था वो ये था कि एक है ऑब्जर्वर ऑब्जर्व का कॉम्बिनेशन एक है कॉन्शियसनेस जो हमेशा रहती है तो अब हमने देखा कि जिसको हम कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं वो भी तो को एग्जिस्ट कर रही है इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से समझना मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं एक ऐसा इंसान जो सच को जानता है और जो नहीं जानता है उसके बीच में आप फर्क कैसे करोगे आपको कैसे पता लगेगा कि वो सच को जानता है या नहीं जानता है या आप खुद भी सच को जान पाए हो या नहीं जान पाए हो कैसे पता लगेगा जब आपके माइंड में कोई स्ट्रक्चर ही ना हो अब मुझे खुद ही याद नहीं है कि मैंने अपने पिछले सेशन में क्या कहा है हो सकता है आपको याद होगा तो इसका मतलब अभी आप सच में पूरी तरह से नहीं गड़े हो क्यों क्योंकि मेरे माइंड में तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है आप अब क्या कर रहे हो आपको पिछले सेशन में कोई स्ट्रक्चर मिला होगा उसको आपने पकड़ लिया और इस सेशन में एक नया स्ट्रक्चर मिला उसको अब आपने पकड़ लिया अगर अगला सेशन होता वैसे तो है नहीं अगर होता तो उसमें आपको फिर एक नया स्ट्रक्चर मिल जाता अब आप कंफ्यूज हो जाते पर जो एक्चुअल में सच में गड़ा हुआ है रियलिटी में गड़ा हुआ है उसको पता है कि ये सब आते हैं उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है तो वो एक्चुअल में फ्री है तो अगर आपको एक्चुअल में फ्री होना है तो सारे स्ट्रक्चर्स को तोड़ दो मतलब कुछ भी फिक्स होना ही नहीं चाहिए इवन अबाउट द साउंड ऑफ साइलेंस और द ट्रूथ और रियलिटी और वट इट इज अलग अलग स्टैंड पॉइंट हैं देखने के एक स्टैंड पॉइंट से देखोगे तो कुछ और है दूसरे से देखोगे तो कुछ और है एक से देखोगे तो आप ये भी कह सकते हो कि अच्छा साउंड ऑफ साइलेंस एग्जिस्ट करती है बिना किसी ऑब्जर्वर के भी बट इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि माइनस दी ऑब्जर्वर वी कैन नॉट टॉक अबाउट दी ये दोनों एक दूसरे पर टिके हैं सिक्के के दो पहलू हैं हेड और टेल ये भी सच है और वो भी सच है अब आप कहोगे अच्छा ये सच है वो सच है एक बताओ ना अरे दोनों सच है ये भी सच है कि मैं ये बॉडी नहीं हूं और ये भी सच है कि मैं ये बॉडी हूं ये बॉडी भी तो मुझ में ही है किस में है ये? अगर कॉन्शियसनेस में नहीं है तो और ये पूरा यूनिवर्स इस बॉडी में है और ये बॉडी यूनिवर्स की बनी है और ये सब कुछ कॉन्शियसनेस में है तो सब कुछ मुझ में है ये भी पॉइंट है, तो है। जैसे आपको यह समझ आ जाता है तो अब आपका कोई पॉइंट ही नहीं है इट्स लाइक सेंटर एवरीवेयर सरकम नोवेयर अब आप उसके जैसे ही हो अब आप रियलिटी ही हो क्योंकि कुछ है ही नहीं पकड़ने के लिए क्या पकड़ोगे अगर हमारे ये छह सेशन हुए हैं अगर मैं भी बैठ करके इन छह सेशन को देखूंगा एक एक करके तो मैं अगर उसको बारीकी से देखूंगा तो मैं कहूंगा अच्छा इसमें मैंने ये बात करी है, ये करी है इसमें ये करी है इसमें ये करी है इसमें ये करी है इसमें ये करी है और सब में अलग अलग बातें हैं तो क्या ये सही है 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 तो मैं देख करके हंसूंगा और मैं कहूंगा कि सब सही है और सब गलत है क्योंकि गलत कैसे हो सकती है गलत तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं एक्सपीरियंस के बेस में बोल रहा हूं सही कैसे हो सकती है क्योंकि एक स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं अगर बिना एक्सपीरियंस के बेस पे बोलता तो वो गलत होती गलत तो हो ही नहीं सकती जैसे अगर मैं इस कप के बारे में बोल रहा हूं तो गलत कैसे बोल सकता हूं मेरे सामने है और बोल रहा हूं गलत कैसे बोल सकता हूं बस सही कैसे बोल सकता हूं क्योंकि जो भी बोलूंगा वो कंप्लीट तो होगा ही नहीं इनकम्प्लीट होगा अच्छा कप है स्टील है स्टील है स्टील है एटम है एटम है एटम क्या होता है सनेस वेर इज एटम माइनस एटम वेर कॉन्शियसनेस तो हर फंडे को आप क्वेश्चन कर सकते हो और हो के नहीं अपने खुद के तब आप कह सकते हो कि अब आप सच में गड़े हुए हो अब आप एक्चुअल में अंदर से पूरी तरह से खाली हो तभी तो उससे भरे हुए हो जो रियलिटी है जो अंदर से भरा हुआ है वो तो भी बहुत दूर है वो बातें करेगा साउंड ऑफ साइलेंस की एक्सपीरियंस भी हो जाएगा लेकिन जिएगा यही अगर आप वैसे ही जीना चाहते हो जैसे कि आप एक्चुअल एक्चुअल में में हो क्या हो क्या तो अब तक समझ आ गया होगा वैसे ही जीना चाहते हो तो उसके बीच में कौन आ रहा है ये थॉट्स ही तो आ रहे हैं ये अंडरस्टैंडिंग ही तो आ रही है क्यों समझना है क्या समझना है समझ तो लिया क्या करोगे समझ के ऐसे जब आप जीते हो तो अब आप एक्चुअल में पूरी तरह से फ्री हो अंदर कुछ भी नहीं है यानी अगर आपने कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ है तो आप पूरी तरह से एफर्टलेस हो जब आप कुछ होल्ड करते हो कुछ ग्रैस्प करते हो तभी तो एफर्ट लगता है आपने कुछ होल्ड किया ही नहीं है सुनने वाले होल्ड करते हैं बट जो एक्चुअल में सच में गड़ा हुआ है वो तो कुछ होल्ड करता ही नहीं है उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं देखता जा रहा है बोलता जा रहा है बस खत्म और ये भी समझता है कि जो भी बोल रहे हैं वो सब लिमिटेड है एक स्टैंड पॉइंट से दूसरे स्टैंड पॉइंट से वही गलत है तो सब कुछ ही सही है सब कुछ ही गलत है अब क्या करोगे क्या पकड़ोगे क्या छोड़ोगे दिस इज़ रियल फ्रीडम